हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल 02 Hero 247 बिगनिंग ऑफ विनिंग. स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट बी ऑफ द चैप्टर 4 विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ओके, एंड द गुड न्यूज इज फॉर यू दैट फ्रॉम नाउ ऑल वीडियोज आर अवेलेबल टू यू इन द मिक्स लैंग्वेज, दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके, सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया और कमेंट भी किया कि सर आप वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश में बनाया करें जिससे हमें समझने में आसानी होगी. सो मैंने डिसाइड किया कि अब से जो भी वीडियोज आपको मिलेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होंगे, सो दैट कि यू कैन ईजिली लर्न और ग्रैप द कॉन्सेप्ट विच आई हैव थॉट टू यू. ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है. सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक हमें मिलेंगे. सो सबसे पहला टॉपिक तो हमें मिलेगा प्रिज्म. आफ्टर दैट जो टॉपिक होगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म होगा. एंड द लास्ट टॉपिक इज कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म जो है उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. ओके, सो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं फटाफट कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, सो फर्स्टली हम देखते हैं प्रिज्म. प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. आप लोग शायद देखे होंगे प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. इस टाइप का मीडियम, इस टाइप का शेप होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप होता है और उसमें जो होते हैं पांच फेसेस होते हैं. ठीक है, पांच फेसेस होते हैं, फाइव प्लेन सर्फेसेस होते हैं. और अगर हम उस प्रिज्म को कट करें बीच से, मतलब कि अगर मान लीजिए ये जैसे कि ये आपका प्रिज्म हो गया. सो इस प्रिज्म में कितने फेस हैं? एक फेस, दो फेस, ये तीन फेस और इस तरफ ये चार फेस और ये नीचे जो बेस है वो पांच फेस हो गया. ठीक है, अब अगर हम इस प्रिज्म को ऊपर से कट करें, ठीक है, ऊपर से अगर हम इसको कट करेंगे इस तरीके से तो हमें क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर शेप ही मिलेगा ना. सो यही यहाँ लिखा है विथ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन. जब भी हम टॉप से किसी चीज़ को कट करें सो जो सेक्शन मिलेगा हमें वही कहलाता है क्रॉस सेक्शन. ओके, उसके बाद है ये देखो जो पांच सर्फेसेस है यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें से यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार पॉइंट लिखे हैं. अब देखो पॉइंट को समझने में आसानी होगी. ये जैसे प्रिज्म है, ठीक है, सो प्रिज्म का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है फ्रंट पार्ट, वो किस तरीके का है? ट्रायंगुलर शेप का है. और ये जो बैक पार्ट है ये भी क्या है? आपका ट्रायंगुलर शेप है. सो दिख रहा होगा कि ये और ये पीछे का पार्ट और ये फ्रंट का पार्ट वो दोनों क्या है? पैरेलल है. ओके, अब जो आपको ये साइड का पार्ट दिख रहा होगा, ये जो साइड का पार्ट है इस साइड और इस साइड, ये जो दो साइड हैं, ओके, ये जो दो साइड हैं ये क्या है? ये जो क्या है ये एक दूसरे पे क्या है? एंगल बना रहे हैं. और नीचे वाला भी पार्ट ये क्या कर रहा है? ये तीनों एक दूसरे पे क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है. सो यही पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपोजिट पैरेलल सर्फेसेस ए बी सी एंड डी ई एफ आर ट्रायंगुलर. सो ये वाला ए बी सी ये फ्रंट का पार्ट और पीछे का पार्ट ये वाला ट्रायंगल डी ई एफ जो मैंने दिखाया अभी वो क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज ए बी सी. हम लोग जो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना ए बी सी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन. ठीक है, हमेशा याद रखना इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन. जब भी हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म दिखाएंगे, जब भी हम प्रिज्म का यूज करेंगे सो हम सिर्फ इसी पार्ट को लेकर के चलेंगे, ये फ्रंट वाले पार्ट को. ठीक है, ए बी सी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. अब ये जो एंगल है एंगल बी ए सी, ओके, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज एंगल ए. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द टू रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी ई डी. टू रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी ई डी, सो दिस साइड वाला पार्ट ए बी ई डी. ठीक है, एंड ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, सो दोनों किनारे वाला जो पार्ट है उस वो क्या रहेगा? एक दूसरे पे स्लैंट रहेगा, एंगल बना रहा होगा ऐसे करके. सो वही लिखा है द टू रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी
एक्ट एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो जो दोनों पार्ट एक दूसरे पे एंगल बना रहा है वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। सो जैसे ये है हमारा प्रिज्म का पार्ट, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जितना भी रिफ्रैक्शन होगा इसी से होगा, ठीक है। सो दिस ए बी ई डी, ये वाला पार्ट आप इमेजिन करो, ये ए बी ई डी और ये ए सी एफ डी, ठीक है, ये वाला पार्ट ये है और ये है ए बी ई डी और ए सी एफ डी, ये दोनों क्या रहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखे होगे आप कभी डायग्राम देखे होगे, तो जब भी लाइट इंसिडेंट होता है वो इसी सरफेस पे होता है या इस सरफेस पे होता है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, द लाइन ए डी इज द रिफ्रैक्टिंग एज, ये जो ए डी है ये वाला पार्ट वो कहलाएगा रिफ्रैक्टिंग एज, एंड द रेक्टेंगुलर सरफेस बी सी एफ ई, ये देखो ये जो पार्ट है बी सी एफ ई ये आपका कहलाएगा बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ये आपका कहलाएगा बेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से इसलिए बना के रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं इजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ये सारे पॉइंट। सो प्रिज्म के बारे में आप सिर्फ ये चार पॉइंट ही आपको जानना है। सो प्रिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसमें पाँच क्या होते हैं, पांच प्लेन सरफेसेस होते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। ये दोनों जो सरफेस है वो कैसा सरफेस कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये फ्रंट वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों पैरेलल होंगे, फ्रंट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन बोलेंगे। उसके बाद ये जो है वो रिफ्रैक्टिंग एज कहलाएगा, नीचे का पार्ट बेस कहलाएगा, और ये दोनों जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगा, ठीक है। सो यहाँ नोट में देखो क्या लिखा है, इन रे डायग्राम अ प्रिज्म इज सोन ओनली बाय इट्स प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी। सो जब भी हम प्रिज्म लेके चलेंगे तो हम पूरा प्रिज्म नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये फ्रंट वाला चीज लेके चलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए बी सी, ठीक है। सो ये सारा था आपका प्रिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेके कवर करेंगे वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। सो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो सो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मैसेज, या फिर इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके वहां से भी मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, उसका आईडी नीचे दिया हुआ है, सो आप वहां से भी उसको फॉलो कर लें और वहां से भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इसके पहले वाला जो पार्ट ए था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्लेट, उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा या टेलीग्राम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, एंड दो गज दूरी पढ़ाई भी है ज़रूरी और मास्क भी है ज़रूरी। थैंक यू।